हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास टेन। आज हम देखेंगे सूडो रैंडम टेस्टिंग के बारे में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने क्या किया था सूडो एग्जॉस्टिव वेरिफिकेशन टेस्ट के बारे में, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सूडो रैंडम टेस्टिंग, ये हमारा थर्ड स्टेप है आपका टेस्ट पैटर्न जनरेटर का, ठीक है। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हैं, इसमें बी फ्लिप फ्लॉप्स, और उसको हम फीडबैक से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके भी दो टाइप्स के हैं, एक है आपका इंटरनल एक्सॉर, ठीक है, और एक है आपका एक्सटर्नल एक्सॉर, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के हैं हमारे जो स्टूडियो रैंडम टेस्टिंग के अंदर आते हैं, एक है आपका इंटरनल एक्सॉर, एक है एक्सटर्नल एक्सॉर। जो इंटरनल एक्सॉर होता है, इसको हम मॉड्यूलर LFSR भी बोल सकते हैं, और एक्सटर्नल को हम स्टैंडर्ड LFSR भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसको डिजाइन कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल है, जैसे मैंने लिया x की पावर 3 प्लस x प्लस 1, ये मेरे पास में एक पॉलीनोमियल है, ठीक है। अब इसको मुझे इंटरनल में ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब जब हम इसकी जो नंबरिंग करेंगे वो 0 से करेंगे, जैसे D0 D1 D2, ठीक है। लीनियर फीडबैक देना है तो लीनियर फीडबैक दे दिए, ठीक है। उसके बाद इनपुट को आउटपुट, इनपुट को आउटपुट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं जो सर्किट में दूसरा भी है x, अब हम x को x की पावर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x1 की रिस्पॉन्ड में देखा जाए तो d1 है, तो d1 के इनपुट पर एक्सोर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरनल एक्सोर बोलते हैं, क्योंकि इनपुट पे हम क्या देते हैं, एक्सोर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके इनपुट पे क्या आ जाएगा, d1 के इनपुट पे आ जाएगा एक्सोर। अब ये इसके बाद ये हमारा हो जाएगा s0, ये हो जाएगा s1, और ये हो जाएगा, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल के, ठीक है। हमने सिंपली सिर्फ क्या किया है, एक लीनियर से प्रोवाइड किया है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल के, और ये देखा जो उसका नेक्स्ट है आपका, उसकी पावर कितनी है, उसके हिसाब से उसके रिस्पॉन्ड में इनपुट में एक्सॉर गेट। सेम हम अगर एक्सटर्नल की बात करें इसी पॉलीनोमियल के थ्रू, तो हाईएस्ट कितनी है, 3 है, हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज कर दिए, ठीक है। लेकिन इसकी जो नंबरिंग करेंगे वो करेंगे D2 D1 एंड D0, लीनियर फीडबैक दिए, लीनियर फीडबैक दे दिए, उसके बाद इनपुट को आउटपुट, इनपुट को आउटपुट, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमने क्या किया था, एक्सॉर कहाँ लगाया था, इनपुट की तरफ, इसमें हम एक्सॉर लगाएंगे आउटपुट की तरफ, यानी यहाँ पे भी एक्स पावर 1 है यानी डी 1, तो इसके आउटपुट यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे एक्सॉर गेट लगा दिया, ठीक है। इसमें इंटरनल में इंटरनल की तरफ और एक्सटर्नल में आउटपुट की तरफ एक्सॉर गेट लगाया, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा S2, ये बन जाएगा हमारा S1, और ये हमारा बन जाएगा S1, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल का डिजाइन, ये हमारा इंटरनल का डिजाइन। प्रोसेस ये रहेगा जो भी मैंने सेम बताया, पहले आप हाईएस्ट पावर देखोगे, हाईएस्ट पावर से आप फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करोगे, फिर उसको फीडबैक लीनियर फीडबैक दोगे, उसके बाद आप ये देखोगे उसके बाद जो नेक्स्ट पावर्स है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका रजिस्टर है उस पर आप इंटरनल में एक्सॉर लगाओ तो वो इंटरनल एक्सॉर हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल में लगाओगे यानी आउटपुट की तरफ एक्सॉर लगाओगे तो वो एक्सटर्नल एक्सॉर बन जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप्स थे इसके स्यूडो रैंडम टेस्टिंग के, और इसके बेस पे हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि हमारा इंटरनल एक्सॉर और एक्सटर्नल एक्सॉर डिजाइन कैसे करते हैं।